नमस्कार दोस्तों, मैं राम सहाय, आप देख रहे हैं राम आर्ट स्टूडियो। तो आज हम आपको थर्माकोल से कटिंग करके और सुंदर सा कलर करके कमल दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ये देख सकते हैं थर्माकोल और ये स्केच। स्केच से हम सबसे पहले स्क्रेच कर लेंगे और फिर बाद में कटिंग करेंगे। तो जो दोस्त इस वीडियो में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम आपको दिखाते हैं सुंदर सी ट्रिक कैसे कमल थर्माकोल से कटिंग किया जा सकता है। थर्माकोल से डिजाइन बनाने के बाद जो बेस्ट बचता है उनमें से हम छोटी छोटी डिजाइनें इसी तरह बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्केच से हमें पहले स्क्रेच कर लेना है। ये हमारा स्क्रेच तैयार हो गया है, अब कटिंग करना है। तो कटिंग के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्लेड, ये जो ब्लेड है इसकी, इसको तोड़ के आधे हिस्से से कटिंग करना है। ये देख सकते हैं, और इसकी जो नोक है इसको कैंची से काट देना है। ये थर्माकोल में फंसता है इसलिए इसको निकाल देना है। ये देख सकते हैं मैं इसको काट चुका हूँ, अब इससे कटिंग करूँगा। याद रहे दोस्तों, आराम से कटिंग करना है। ये ब्लेड का मामला है, कहीं ऊंच नीच हो गया तो इसकी जो कलियां हैं ये भी कट सकती हैं। तो हिसाब से काटना है, बहुत ही बारीक से, क्योंकि ये जो डिजाइन है डिजाइन भी छोटी है तो और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि डिस्टर्ब ना होने पाए। बड़े ही सावधानी के साथ इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये जो थर्माकोल में धार बची है इसको हम ब्लेड से आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से ये जो लाइन बनी हुई है येलो कलर की, तो थोड़ा नीचे से एक बार ऊपर से चला के फिर ये लाइन को निकाल देना है ताकि उसमें डिजाइन दिखने लगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम आपको दिखाते हैं कैसे कटिंग करना है। डिजाइन में जितनी भी धार है सब निकाल देनी है। आप देख सकते हैं ये जो धार है उसको निकालने के बाद जो डिजाइन बनती है वो देखते बनती है। इस तरह से निकाल लेना है। डिजाइन बनाना बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए भी डिजाइन बनाना। ये हमारी डिजाइन कटकर तैयार हो चुकी है, अब हम इस पर करेंगे कलर। तो सबसे पहले कलर लेते हैं, आप देख सकते हैं मैंने ये कलर लिया हुआ है, इसे हम स्टेनर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कलर करना
सही नहीं रहेगा, इसको बाहर लेके चलेंगे क्योंकि जो फुहारा निकलता है तो दूसरी जगह भी लगता है। तो हम कलर खोल लेंगे और ये मशीन है जो हमने बनाई है स्प्रे मशीन। इस मशीन का वीडियो भी मेरी आईडी में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कलर करना। क्योंकि हमें दो कलर में करना है इसलिए हमें पहले वाला पॉइंट को इस तरह कागज में छुपाना होगा ताकि एक साइड ही कलर लगे। ग्रीन कलर करेंगे। थोड़ा येलो कलर भी करेंगे क्योंकि हरे कलर में येलो मिक्स रहता है। ये हमारा एक साइड हो चुका है। अब हम दूसरी साइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट छुपाना पड़ेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको दिखाते हैं कैसे कलर करना है। Thank you.